हाय गाइस, तो आज की वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड थोड़ी सी सीरियस होने वाली है, बिकॉज मैं लोगों को अवेयर करने के लिए ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो प्लीज़ 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 एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट ये वीडियो है ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो मैं जस्ट आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस, मेरे साथ क्या हुआ है। गाइस, आपको पता होगा ना कि अभी बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, अपने न्यूज़ चैनल में वगैरह में देखा होगा कि बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, ठीक है, मोबाइल को लेकर, किसी ऐप से रिलेटेड बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। एंड सेम ऐसा फ्रॉड है ना मेरे साथ और मेरे एक फ्रेंड है उसके साथ होते होते रह गया, बिकॉज हमने थोड़ी सी समझदारी दिखाई इसलिए हम बच गए, राइट। लेकिन आप लोग को ये चीज़ ना फेस करनी पड़े, इसलिए मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। गाइज, अभी एक है ना, जितनी भी मेरी मेकअप आर्टिस्ट बहनें हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं या फिर ब्यूटी पार्लर का काम कर रहे हो या फिर आप एक ऑर्डर्स वगैरह लेते हो, ब्राइडल का, साइडल का, इन सब का ऑनलाइन ऑर्डर लेते हो, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज़, आपको पता होगा ना कि एक वेडिंग बाजार नाम का एक ऐप है, ठीक है। मैं नहीं कह रही कि वेडिंग बाजार ऐप ही गलत है, राइट, लेकिन हो सकता है कि वेडिंग बाजार ऐप को किसी ने हैक कर लिया हो या फिर उसी में का कोई बंदा ये सब काम करके लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा दोनों हो सकता है। तो एक वेडिंग बाजार ऐप है जहाँ पे आप आपका अकाउंट बनाकर और मेकअप के ऑर्डर्स ले सकते हो और ब्राइडल वगैरह के ऑर्डर्स, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब कुछ डालकर आप वहाँ पे ऑर्डर ले सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। तो मैंने भी सेम यही करा था, वेडिंग बाजार पे अकाउंट बनाया था और अपनी डिटेल्स वगैरह सब कुछ डाली थी ताकि कोई ऑर्डर्स वगैरह हो ब्राइडल का तो वो मुझे डायरेक्टली आए, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। सो इसमें हुआ क्या था ना कि अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक हो गया 1 से 1.5 महीने, बट मैंने सोचा कि चलो यार छोड़ देते, लेकिन ये सेम चीज़ मेरी एक फ्रेंड के साथ भी हुई, इसलिए मैंने सोचा कि यार अब बहुत हो गया। हो सकता है कि मेरे और मेरी फ्रेंड के अलावा भी ये चीज़ों से बहुत सारे लोग जूझ रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ हो भी गई होगी, ठीक है। हम तो समझदारी से काम कर ले, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें बेवकूफ़ बन भी गए होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आगे और लोग इससे बेवकूफ़ ना बने, इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो वेडिंग बाजार ऐप में आपको क्या होगा ना कि व्हाट्सएप पे आपको एक बंदा है प्रवीण कुमार शर्मा, इस नाम से एक बंदे का मैसेज आएगा आपको, साथ ही साथ आपको ये नंबर आएगा, ठीक है, और आपको वो बताएगा कि वो इंडियन आर्मी का बंदा है। इवन उसके व्हाट्सएप का लोगो जो होगा ना, उसका जो प्रोफाइल पिक होगा ना, उस पर भी आपको इंडियन आर्मी का ही लोगो दिखाई देगा, ठीक है, इंडियन आर्मी की फोटो प्रोफाइल पिक दिखाई देगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये सही भी बंदा इंडियन आर्मी का है, आपको थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड कराएगा। बट होगा क्या, वो आपको बोलेगा कि उसकी सिस्टर की शादी है, ठीक है, आपको डेट भी बताएगा, आपको वेन्यू भी भेजेगा कि इस वेन्यू पे जाना है, आपको शादी है और ब्राइडल रेडी करना है, साथ ही साथ आपको चार लोग और लोगों को रेडी करना है, जैसे कि हल्दी, मेकअप, साइडर्स वगैरह को, ये पूरा उसको वो आपको बताएगा और आपको वेन्यू भी भेजेगा कि यहाँ पे शादी है, इस डेट को शादी है, ये पूरा मतलब जस्ट एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। और एक लड़की की फोटो है यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, इसी की फोटो वो शेयर करता है हमेशा तो हर लोगों को। तो ये वीडियो, ये लड़की की फोटो वो शेयर करता है और बताता है कि उसकी बहन है, उसकी शादी है, ठीक है, और आपको मैसेज करेगा और आपको पूछेगा कि आपका चार्जेस वगैरह क्या है, आप उस दिन अवेलेबल हो या नहीं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड कराने के बाद वो बोलेगा कि आपका पैकेज वगैरह बता दो, एंड आप अगर उसको जब पैकेज वगैरह सब कुछ बता देते हो तो फिर वो आपको ना कुछ टाइम के बाद, एक दिन बाद या सिर्फ सेम डे आपको वो कॉल करता है, और कॉल करने पर वो आपको क्या बोलेगा कि मैम प्राइस बहुत ज़्यादा है, मैं इंडियन आर्मी का बंदा हूँ तो थोड़ा सा आप डिस्काउंट कर दीजिए। तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये इंडियन आर्मी का बंदा है तो चलो इसको थोड़ा सा डिस्काउंट करके दे देते। तो मैंने भी सेम वही चीज़ करी, मैंने ना उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट करके दे दिया कि आप इतना डिस्काउंट ले लो और बाकी का आप मुझे पे कर सकते हो। तो बोला ठीक है चलेगा। तो मैंने उसको बोला कि एक काम करो, बुकिंग अमाउंट आप मुझे पे कर दो कुछ अमाउंट। तो मैंने उसको बोला कि 2000 रुपये आप मुझे बुकिंग अमाउंट पे कर दो ताकि जो मैं आपका ऑर्डर है ना वो कंफर्म कर लूँ। उसने बोला ठीक है मैं आपको एक दिन के बाद पे कर देता हूँ। तो मैंने ना एक दिन के बाद उसको मैसेज भेजा, तो उसने मुझे बोला कि आपका QR स्कैनर भेजो। तो मैंने क्या किया, उसको QR स्कैनर, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा अंदर से कि यार QR स्कैनर किसी को भेजना अननोन पर्सन को सही है या नहीं। तो फिर मैंने मेरे घर में पूछा, तो मेरे घर में ऐसा बोला गया कि भेज सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने क्या किया, वो स्कैनर भेज दिया उसको, बट स्कैनर भेजने के बाद भी उसका पेमेंट नहीं आया, मुझे रिसीव नहीं हुआ। तो मैंने उसको बोला कि आपको ऑर्डर मतलब आपका ऑर्डर कंफर्म कराना है या नहीं, फिर नहीं कराना है तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए। तो उसने बोला नहीं नहीं मुझे कंफर्म कराना है, मैं आपको एक दिन के बाद कॉल करके पे कर देता हूँ। मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद एक दिन उसका और कॉल आया, ठीक है, उसने मुझे क्या बोला कि आप चालू कॉल पर आपका गूगल पे अकाउंट है ना वो ओपन करो, ठीक है। ओपन करने पे वो आपको क्या कहेगा कि मैं आपको ना 1 रुपया ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, आपके गूगल पे पे का ऑप्शन आएगा, आपको वो पे पे क्लिक करना है, तो वो 1 रुपया है ना आपके अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो मुझे ना थोड़ा सा डाउट हुआ, मतलब पे मैं कर रही हूँ तो मेरे अकाउंट में कैसे आएगा, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। तो मैंने क्या बोला कि रुकिए मेरा सर्वर काम नहीं कर रहा है, मतलब नेटवर्क का इशू है तो पेमेंट नहीं हो रहा है। तो मुझे तो पता चल गया था कि वो बंदा फ्रॉड कर रहा है। तो मैंने क्या किया कि जितना मेरे अकाउंट में पैसे थे ना, सबसे पहले मैंने उसको मेरे सिस्टर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है,
ट्रांसफ़र करने के बाद फिर मैंने उस पे क्लिक करने का सोचा, मैंने कहा देखती हूँ करके कि क्या होता है, क्योंकि अकाउंट तो खाली था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने ना उसको पे क्लिक कर दिया तो उस पर है इनसफिशियंट फ़ंड। अब आप खुद बताओ कि अकाउंट मेरे अकाउंट से पैसे जाने थे इसलिए उसने इनसफिशियंट फ़ंड दिखाया, तो मतलब वो बंदा मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। अगर पे मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे अकाउंट से पैसे जाएंगे ना कि उसके अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। तो मुझे तो पूरा डाउट हो गया था कि ये बंदा एकदम से फ्रॉड है, ठीक है, एकदम से फ्रॉड है, लोगों को खाली बेवकूफ़ बनाकर उनके पैसे लूट रहा है, उनका अकाउंट खाली कर रहा है। तो फिर मैंने बोला कि फिर वो भड़क गया बंदा, एक्चुअल में वो भड़क गया। उसने मुझे बोला कि इनसफिशियंट फंड दिखाने के बाद वो मुझे कहता है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। तो मैंने बोला कि मेरे अकाउंट में पैसे हो या ना हो उससे आपको क्या लेना देना, पैसे तो आप मुझे ट्रांसफ़र कर रहे हो ना कि मैं आपको कर रही हूँ। तो बोला नहीं ऐसा नहीं होता, आपके अकाउंट में पैसे होगा, आप पे करोगे तभी वो ट्रांसफ़र होगा। मैंने बोला भाई तू मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, कहाँ से आया तू, कि कौन सी तूने पढ़ी है कि पे मैं करूँगी तो मेरा अकाउंट में मुझे पैसे आ जाएंगे। तो मुझे तो पक्का डाउट हो गया। फिर वो ना चिल्लाने लगा एकदम से कि अकाउंट में पैसे नहीं रखते, ये वो बहुत बोलने लगा। मैंने बोला देखे भाई मेरे अकाउंट मुझे ना तेरा ऑर्डर लेना ही नहीं है, बोलता मुझे भी नहीं लेना। मैंने बोला ठीक है तू कट कर फ़ोन, मेरे को ऑर्डर नहीं चाहिए, ना मेरे को तेरा ऑर्डर लेना है ना मुझे तेरे पैसे चाहिए। मैंने उसको ये बोला, उतना बोल के ना उसने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने उसको मैंने थोड़ी देर बाद मैंने मेरे पापा को बताया। मेरे पापा ने बोला कि ये चीज़ फ्रॉड वाली है, ठीक है, फ्रॉड। मेरे भाई को भी बताया, उसने बोला कि ये चीज़ फ्रॉड है। तो मैंने सोचा कि लाओ उसको फ़ोन करके मैं थोड़ा सा उसको सुनाऊँ या फिर उसको धमकिया दूँ कि मैं ऐसे कर दूँगी उसका नंबर। मतलब वो बंदे का कॉल लगा ही नहीं, मैंने उसको कॉल लगाते मैं थक गई, उसका कॉल लगा ही नहीं। एंड मुझे तो क्लियरली पता चल चुका था कि वो बंदा मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। सो सेम चीज़ आज मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ। तो वो एक मेहंदी आर्टिस्ट है, तो उसको मेकअप का ऑर्डर आया होगा, मतलब वेडिंग बाजार पे उसने अकाउंट बनाया होगा। तो उसने सोचा कि मैं वो मुझे ऑर्डर दे दे, ठीक है। तो वो मुझसे नंबर वगैरह मांग रही थी कि दीदी आपका नंबर मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने बोला ठीक है कर दो। बट हुआ क्या कि शेयर करने से पहले उसका लकीली कॉल आ गया उस फ्रेंड का मेरी। तो कॉल उसने मुझे कॉल किया, उसने बोला कि दीदी ऐसा ऐसा बंदा है, उसने पिक भी भेजी है लड़की की और वेन्यू भी भेजा है और ऐसा। तो फिर मुझे ना थोड़ा सा अपना डाउट हुआ, तो मैंने उसको पूछा कि उस बंदे का नाम क्या, मुझे उस बंदे का नाम याद था। तो उसने बोला कि प्रवीण कुमार शर्मा। मैंने बोला कि उसके प्रोफाइल पिक पे इंडियन आर्मी की फ़ोटो है। उसने बोला हाँ, बोलता है इंडियन आर्मी का बंदा हूँ। मैंने बोला कि साला, मतलब मुँह से मेरे गाली निकल रही थी। मतलब वो बंदा ना हर किसी के साथ फ्रॉड कर रहा है। तो जस्ट ये वीडियो बनाने का एक ही रीज़न है कि अगर इस नंबर से, इस नाम से या फिर कोई अलग नाम से आपको अगर थोड़ा भी डाउट होता है ना कि ये बंदा फ्रॉड है, अननोन पर्सन है, आपको कुछ भी पूछे बिना आपको ऑर्डर दे रहा है, आपकी डिटेल्स जाने बिना, आपके वर्क देखे बिना आपको ऑर्डर दे रहा है, तो आप क्लियरली समझ जाना कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है गाइस, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का जस्ट एक यही रीज़न है। मैं पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे मेंशन करूँगी, तो आप देख लेना कि इस नाम का बंदा, इस नंबर से अगर आपको कोई भी मैसेज आता है, ऑर्डर वगैरह देते हैं, तो प्लीज़ आप उस पर भरोसा मत करिएगा और आप उसको अकाउंट डिटेल्स भी मत दीजिएगा। इवन अपना गूगल QR स्कैनर भी मत देना, क्योंकि वो बंदा टोटली फ्रॉड है गाइस। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग के साथ भी ये चीज़ें आपको भी फेस करनी पड़े, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि वेडिंग बाजार वाला ऐप ही गलत है, बट मैं आप लोग को, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, वेडिंग बाजार जो भी उसमें काम करते हो या फिर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना वेडिंग बाजार ऐप में काम करने वाले, मैं आपको जस्ट यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप आपके ऐप का ध्यान रखिए। हो सकता है कि आपका ऐप या तो किसी ने हैक कर लिया है या फिर आपका ही कोई अंदर से बंदा है जो इस तरह से काम कर रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ की आप ना इंक्वायरी कराइए, और जिन लोगों के साथ ये चीज़ हो रही है ना प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं और मेरी फ्रेंड ने इस चीज़ को फेस किया है। तो हो सकता है कि और भी बहुत सारे लोगों की, जिन लोगों का पैसा खाली भी कर दिया उसने, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग के साथ ये चीज़ हुई है या नहीं, ठीक है। और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोगों को इस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़ेगा इस, ठीक है। जितनी भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, जितनी भी ब्यूटी पार्लर सलोन वाली हैं, प्लीज़ आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। ऐसा बहुत फ्रॉड हो रहा है, किसी पर भी इस तरह से भरोसा मत कीजिए जब तक आपको 100% श्योरिटी ना हो जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए ताकि इस चीज़ से लोग अवेयर हो पाए। सब कुछ यहाँ नीचे मेंशन कर दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से कोई मैसेज नंबर वगैरह आता है, तो आप चीज़ को, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।